और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल यानी विद्वत परिषद का वर्तमान में सदस्य हूँ और ड्यूटा एक्टिविस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। सर, आज जो इतनी बड़ी विडंबना है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या जो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कर रहे हैं वो अधिकतर खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो धरना आप देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के दलित आदिवासी पिछड़े समुदाय के जो शिक्षक यहाँ धरने पर बैठे हैं, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि उच्च शिक्षा में शैक्षणिक पदों पर पहली बार देखिए दलितों और पिछड़ों के लिए 1997 में रिजर्वेशन आया था, ओबीसी के लिए 2007 में आया था। अब 2007 में आने का मतलब फिर आपको रोस्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट होते हैं, तो वह रोस्टर 200 पॉइंट बनाया गया था ताकि आदिवासियों को 7.5%, दलितों को 15% और पिछड़ों को 27% कोटा पूरा हो। यह अभी तक पूरा लागू नहीं हुआ था, इसमें बैकलॉग शॉर्टफॉल को नहीं दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन, यूजीसी, एमएचआरडी, भारत सरकार के तमाम चीज़ों के बावजूद यह लागू नहीं हुआ था। लेकिन विडम्बना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय को आधार बनाकर एमएचआरडी ने यूजीसी को पत्र लिखा कि इसको संज्ञान में लीजिए और आप अपने विश्वविद्यालयों में लागू कीजिए, जो यह बताता है कि अब जो रोस्टर आप बनाएंगे विभाग में विश्वविद्यालय में, वो विभाग के आधार पर बनाएंगे। यानी पहले कॉलेज को हम यूनिट मान रहे हैं, यानी 150 का अगर कॉलेज का यूनिट है तो 150 को अब विभाग में यूनिट मानिए। तो इससे हुआ क्या कि 7.5%, 15% और 27% कोटा कभी पूरा होगा ही नहीं। नंबर वन कारण रहा कि इतनी जल्दी यूजीसी ने लेटर भेज दिया और इतने लंबित केस पड़े हुए हैं, लेकिन इस लेटर को इतनी शीघ्र लागू करने की क्या जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल, देखिए साफ शब्दों में आप इसको समझिए, ये सरकारें जिसको एक मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणिकल माइंडसेट, मैं बड़ा सावधान होकर के कह रहा हूँ, ब्राह्मणवादी मानसिकता से परिचालित ये सरकारें हैं, जो ये दर्शाता है कि अपनी इच्छा से किसी को हक देना नहीं चाहते, और जरा सा भी उनको आधार मिलेगा, उनको हाथ लगेगा, वो सब कुछ हक छीन लेना चाहते हैं। यही कारण है कि इतनी त्वरित कार्रवाई एमएचआरडी ने की। लेकिन अभी देखा गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो रिजर्वेशन से जीत कर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते। अभी एक जगदीश सोनकर जी आए थे, वो अपने टॉपिक से ही भटक रहे थे और टॉपिक पर बात न करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ BHU की बात है, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यही है कि जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज से जो सांसद MLA जो आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो उन्हीं वर्गों की चिंता से विमुख हैं। वो व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अंततः उनको ये जनमानस दबाव बनाता है और उनको जो है अब इनकी बात करनी पड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, देखिए सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, वहाँ के आम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक का गठबंधन है, जो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मजबूर किया। लोगों का मानना है और आप जैसे बुद्धिजीवियों का मानना है, आप लोग मशीन पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि मशीन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब चाहे बिहार ले लो चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, उन्होंने ये दिखा दिया कि मशीनों के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, निष्पक्ष चुनाव है। अगर हम गड़बड़ करते तो इन दो तीन सीटें इनमें भी गड़बड़ कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए EVM में गड़बड़ी है, आप समझिए, इसको समझने की जरूरत है। EVM में गड़बड़ी है और जो गड़बड़ी हो रही है वो 100% नहीं हो रही है। उनका कैलकुलेशन है कि इतना परसेंटेज हमको वोट खींच लेना है। ये कैलकुलेशन तब फेल होगा जब जनमानस एंटी हो जाएगी। यूपी बिहार में यही हुआ है, जनमानस उनके अगेंस्ट थी और उनका कैलकुलेशन फेल हुआ है। इसका मतलब आप नहीं कह सकते कि EVM की गड़बड़ी नहीं थी। अगर नहीं होती तो आप बताइए गोरखपुर के जो DM के ऑफिस को लोगों ने इतने देर तक घेर के क्यों रखा? वो उसको टाइम पर करना चाह रहा था DM। लोगों को पता चला तो दलित
पीछे जो वोटर है सपा बसपा के, वो एकजुट होकर के घेर लिए और वो निर्णय परिवर्तित नहीं हो पाया। तो ईवीएम है, ऐसा नहीं है कि इससे जो है ये इनकी चाल है सरकार के कि इसे अब ये वो व्याख्या करेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया की तमाम चीज़ें व्याख्या की भी डिमांड करती हैं। वो कहेंगे कि देखो अब तो आप जीत गए तो ईवीएम तो नहीं हुआ, नहीं ये ईवीएम करेंगे और 2019 में इसकी इसके लिए इन्हें सतर्क रहना होगा विपक्षी पार्टियों को अगर ये करना है तो। सर कुछ दिन से देखा गया है कि जो साहित्यकार लेलिन जी हैं या रामास्वामी नायकर जी हैं या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, उनके स्टेचू तोड़ी जा रही हैं, वो तो एक निर्जीव जो स्टेचू है वो खड़ी हुई है, जब इन लोगों को वो रास नहीं आ रहे तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग कैसे रास आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ये इस बात को दर्शाता है कि आपको मूर्तियों से भय लग रहा है, मतलब ये पत्थर की मूर्तियों से डरने लगे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जिंदा व्यक्तियों से ये कितना डरते होंगे, लेकिन ये इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि जब ये तोड़ेंगे तो बहुजन समाज या बहुसंख्यक समाज और शिद्दत के साथ और गहराई के साथ उनको पढ़ेगा, उनको समझेगा और अपनी रास्ता तय करेगा।